Hello friends, today we will learn how to control unwanted movements with the help of mental exercises. आज हम सीखेंगे कि कैसे हम unwanted, अनचाही movements को मानसिक exercises के साथ control कर सकते हैं. In many neurological diseases, such situation is commonly observed. So let's have a look at this video where a multiple sclerosis patient will learn overpowering such movements. सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने मरीज की मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करें. इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ योर पेशेंट क्लोजली. उसके बाद पेशेंट को डेमोंस्ट्रेट करें कि उन्होंने किस प्रकार से वही मूवमेंट करी थी. काइंडली डेमोंस्ट्रेट द मूवमेंट परफॉर्म बाय द पेशेंट टू हिम. वंस दिस इज डन वी कैन प्रोसीड फर्दर टू द ट्रेनिंग. ट्रेनिंग को हमने चार हिस्सों में बांटा है. वी हैव फोर सिंपल स्टेप्स फॉर दैट. स्टेप वन, मरीज को आंख बंद करने को कहें और सही प्रकार से मूवमेंट की गाइडेंस देते हुए इमेजिन करने को कहें. आस्क योर पेशेंट टू क्लोज हिज आईज एंड इमेजिन द मूवमेंट डिजायर्ड. स्टेप टू, मरीज को बताने को कहें जो कुछ उन्होंने इमेजिन किया है. फिर उन्हें इमेजिन करी मूवमेंट को आंख बंद करके और फिर आंख खोल के करने को कहें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर पेशेंट नरेट टू यू द इमेजिन मूवमेंट. आफ्टर द नरेटेड वर्जन आस्क द पेशेंट टू परफॉर्म द मूवमेंट फर्स्ट विद आईज क्लोज एंड देन विद ओपन आईज. स्टेप थ्री, पिछले स्टेप में जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई थी उन्हें मरीज के ध्यान में लाएं और फिर से सही मूवमेंट को इमेजिन करने को कहें. This is again an imagination step where you bring to the notice of your patient wherever they made a mistake. Ask them to reimagine. Step 4, आखिरी पड़ाव. मरीज को पूरे ध्यान से और उत्तमता से मूवमेंट करने को कहें. इस दौरान आप मरीज का मनोबल बढ़ाते रहें ताकि वह अच्छे से और पूरे नियंत्रण से मूवमेंट कर सके. In the final step, it is very important that you give positive feedback to your patient so that they perform a very perfect and a movement full of precision.